wish him a speedy recovery because he's a fantastic actor and I hope जो भी खबर हमें मिली है वो झूठी हो and you know if not I'm really hoping and praying that he just recovers very very soon. वहाँ के उसके बाद इधर आ थैंक यू यार, मेरी सबसे बड़ी विश तो इसके लिए ये है कि मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी और हो सके तो इसी साल इनको एक बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्रेक मिले. आई रियली वॉन्ट हिम टू सिंग फॉर द बिगेस्ट मूवीज एंड बिगेस्ट स्टार्स बिकॉज ये कमाल की आवाज़ है यार, और इस एज में इतनी टैलेंटेड आवाज़ और इतना कुछ करना, मैंने मतलब मैं बहुत ज़्यादा सिंगर्स इतना मिला नहीं हूँ, बट आई एम रियली रियली होपिंग कि इस साल ये बर्थडे इनके लिए एक बॉलीवुड ब्रेक लेके आएगा, वो भी बहुत बड़ा वाला. सो दैट इज़ माई विश फॉर हिम. थैंक यू. इतना सारा प्यार. आतिफ असलम, अरिजीत जी और उसके बाद है स्टेप इन, एंड दैट इज़ फॉर श्योर बिकॉज यू नो कुछ लोग होते हैं ना, जब वो गाते हैं ना उनसे हम लोग इतना कनेक्ट कर पाते हैं, बट उनको देख के ना यू विल फॉल इन लव विद हिम. लाइक फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टेप इन को गाते, पहले मैं मिली थी, मैं कहा हाँ ठीक है लड़का है कैसा गाता होगा, बट मैंने हर्ड हिम, नो ट्रस्ट मी, आई वाज लाइक इतना अच्छा गा रहा है ये. सो दिस गाय फॉर श्योर डिजर्व समथिंग वेरी बिग इन लाइफ, और ये करेगा क्योंकि बहुत लोगों की दुआएं हैं स्टेप इन के साथ. ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बींग फर्स्ट ऑफ ऑल. तो स्टेप इन, ऑल आर विशेज प्रेयर्स आर विद यू. थैंक यू. और इसी साल जैसा मैंने बोला, वी रियली प्रे कि इसी साल स्टेप इन को बॉलीवुड में डेब्यू हो जाए और बड़ी बड़ी मूवीज मिले. बस मिल जाए, 100% इन दोनों की दुआएं तो है, देखो पता नहीं बाकी लोगों का. मुझे आपकी तारीफ काफी कर रहे, तो मुझे दो गाना ठीक है कुछ ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा लगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा लगा, चोट दिल ने जो खाई मजा गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया. सबसे पहले एक्चुअली सबसे पहले क्योंकि मेरी सिस्टर मेरे साथ थी सारा, तो बेसिकली मेरी एक नाइट थी, तब मेरा परफॉर्मेंस था, तो मेरे को सरप्राइज़ देने मेरे शो पे आई थी, और उसने घर पर पूरी तैयारी करके रखी थी, और सबसे पहले इसलिए वही मेरे साथ थी जिसने मुझे विश किया और मुझे सीधे लेकर गई घर पे, जो कि उसने पूरा घर डेकोरेट किया हुआ था. एंड दैट्स हाउ आई थॉट कि बर्थडे आ जाए. हाँ, सबको लग रहा था कि आज मेरा बर्थडे है, बेसिकली मेरा बर्थडे. हमने ऑलरेडी सब सोशल नेटवर्क पे इनको विश कर दिया, एंड देन वी रियलाइज कि उप्स क्रिमिनल, अरे प्री बर्थडे सेलिब्रेशन. हां, ये सारा के उससे मुझे लगा ये ऐसे ऐसे राइट. और आपको डी3 में काफी पसंद क्या गया, आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताओगे? यार अभी हम लोग एक्चुअली एक शॉर्ट फिल्म पे काम कर रहे हैं जो एक होम प्रोडक्शन ही है, और वो कोशिश ये है कि डी3 से टोटली ऑपोजिट हो. लोगों ने आज तक यूथ शो करते हुए देखा है, यू नो बहुत ही रोमांटिक शो करते हुए देखे हैं. दिस इज़ गोना बी अ वेरी वेरी डिफरेंट एंड इंटेंस वर्क. तो बस उसका लास्ट स्केड्यूल बाकी है, एंड वेरी सून विल बी आउट. तो जैसे ही आउट होगा उसके बारे में डेफिनेटली विल अपडेट टू एवरीवन. हाँ, अभी तो यही है. यार एक्चुअली ना जैसे वैलेंटाइन डे पे मैंने सुना था, किसी ने कहा था कि वैलेंटाइन डे तो रोज़ मनाना चाहिए, यू नो क्योंकि प्यार का दिन तो रोज़ होता है. मुझे लगता है उससे बहुत इंपॉर्टेंट वुमेंस डे है, और मतलब एक दिन क्या यार, ये लोग जितना हमारे लिए करते हैं, हमारे लिए गुड फॉर्चून लेके आते हैं हमारी लाइफ में, हमें पैदा करते हैं, हमें राखी बांधते हैं, हमसे शादी करते हैं, हमारे बच्चे संभालते हैं, और आई थिंक अ मैन इज़ नॉट कम्प्लीट विदाउट वुमेन, बिकॉज़ औरत है तो ही आदमी है. तो मैं
दुनिया के तमाम फीमेल औरतों को, गर्ल्स को, मामास को, दीदी को, चाली को, सबको विश करना चाहता हूँ हैप्पी वुमेंस डे। एंड आई रियली वांट कि हर कोई इनकी इज्जत करे, इनकी वैल्यू समझे, और बस यार इनको रोज़ स्पेशल फील कराओ। उसके अलावा तो ये कुछ चाहते नहीं हमसे, तो दैट्स इट। थैंक यू। You know, Stevin is one of the most talented singers in our country. I really strongly believe it. मैंने और Stevin ने collaborate किया था मेरे show के लिए, which was Class of 2017. He had done a lot of music and some amazing, amazing numbers for me. And I think he is going to be the star of tomorrow. So अगर मैं अभी उसकी parties में आऊँगा birthday में, तो वो कल मेरी parties में आएगा। It's so important to be part of each other's successes. And obviously, like I've told you earlier, I love Sufi, and he's one of my favorite singers. And what about Barrel? Is that any usual to Barrel? You know, Barrel ki ek khasiyat ye hai ki wo mere friend ko belong karta hai. So I have to always stand up by my friends no matter what, and specifically when they have the most amazing food and great music, yaar, who will not come? And you know, digital medium is trending a lot, I mean, so are you planning to do anything in the digital medium right now at the moment? See, right now you have this really amazing Indian Wikimedia Awards, digital awards that are coming, and one of my shows also nominated there called Class of 2017, and I'm very, very excited about that because the avenues have become so much stronger. There's so many web series coming out. So yeah, I think main kya puri ki puri industry is samay itne sare web series, itne sare interesting projects bana rahi hai. I'm so glad ki different stories are being told. So I think it's just a matter of time that everyone will do something or the other that will excite them and excite everyone else who's watching it. Yeah, my thoughts on the bad news that is coming back to back on Bollywood is that they are bad news, yaar. वो कोई भी बुरी खबर ना किसी को बता के तो आती नहीं है, चाहे वो श्री मैम की डेथ हो, चाहे वो इरफान सर की क्या तबीयत खराब है. वी डोंट हैव टू नो दैट. दैट्स बैड इनफ टू नो द फैक्ट दैट ही इज़ नॉट वेल. शमी आंटी जस्ट पास्ड अवे. सो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम. सो हमें बुरा लग रहा है, पर आई एम श्योर बुरी चीज़ें हर इंडस्ट्री में होती हैं. बहुत सारे लोग हमें छोड़ के जाते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ एक्सट्रीमली टेरेबल. आई वॉज सो शॉक बिकॉज आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे मालूम नहीं था शमी कपूर इज़ पास्ड अवे, बिकॉज वी वर इनसाइड the house and no one kind of told me that he's passed away. And there's so many memories attached to Shami uncle, because I have been a Prithvi boy since I've been in Bombay. So for me it was so shocking, because I was watching Oscars and I suddenly saw Shri ma'am, and then I saw Shami sir thing there, and I was like shit, because it was so shocking that people actually forgot to tell me that while I was not here and I was inside the house, Shami Kapoor passed away. So I think there's so much that is happening that we do not get to know, and so many bad news are happening, but along with that there's good also. So good and bad will always be balanced. We can only pray that the people who have left us are resting in peace, and people who they have left behind are strong enough to take it. I don't want to comment on that controversy because I wasn't there. Yes, what I have seen, and I don't appreciate it, but the relationship that they shared before that incident happened, I'm not aware of it. A lot of people are the father and the girl thinks it's fine. So I do not know. I'm not the right person to comment on the Papon controversy. Thank you so much. हम तो आते रहते हैं बैरल में. सो इट्स लाइक एवरी डे इज थिंग, एवरी वीक सिंग आई शुड बी सेइंग. मैं भी थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं इतना नहीं आ पा रहा हूँ फिलहाल, बिकॉज आई बीन ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया. सो बट यस, जब भी पॉसिबल होता है, अभी जैसे बॉम्बे में था अभी फॉर टू डेज, सो आई थॉट दैट ओके फाइन, आई शुड बी कमिंग ओवर हियर. सो इंटरेस्टिंग, दैट्स ऑल. हाँ, मैं
पहले बाल बढ़ा रहा हूँ यार अभी तो फिलहाल एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़े से वापस उस शेप में आ जाऊँ जो मैं पहले से था. सो आई एम ऑन अंडर अ ट्रांसफॉर्मेशन राइट नाउ. सो इट्स गोइंग ऑन. दैट्स व्हाई आई एम नॉट लाइक क्लिकिंग लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑल्सो राइट नाउ एंड नॉट कमिंग आउटसाइड सो सून बिकॉज इट्स इट हैज टू कम राइट नाउ. सो आई वांट पीपल टू एक्चुअली सी द ट्रांसफॉर्म मी कम्प्लीटली आफ्टर अ मंथ और मे बी आफ्टर टू मंथ. सो दैट्स व्हाट इट्स गोइंग ऑन अंडर द प्रोसेस. अरे अभी उसके बारे में कुछ नहीं है. मैं बर्थडे के बारे में बात करना चाहता हूँ इस बारे में नहीं. उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला ना ही मैंने बोला ऐसा कुछ. तो इट्स नथिंग लाइक दैट. इट्स अ बर्थडे सो आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन दैट राइट नाउ द बर्थडे पार्टी राइट. थैंक यू गाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो बैरल एज अ नाइट क्लब इज़ वन ऑफ माई फेवरेट नाइट क्लब्स इन बॉम्बे बिकॉज यहाँ पे बहुत लाइवली इन्वायरमेंट रहता है और वो अलग अलग तरह के इवेंट्स करते रहते हैं जिससे कि आपके आने का इंटरेस्ट बना रहता है. सो स्टेबिन मेरा बहुत खास दोस्त है और आज वो परफॉर्म कर रहा है तो पहली बात तो वो बर्थडे वाले दिन भी नोट छाप रहा है जो कि अच्छी बात है. और आई थिंक ऐसे लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जो अपने जन्मदिन के दिन भी काम कर रहे हैं और उसका काम बहुत ही अच्छा है. एवरीबडी लव्स हिज सिंगिंग स्पेशली लाइव सिंगिंग बहुत मुश्किल होती है और ऑडियंस को लाइव एंटरटेन करना बहुत मुश्किल है. हम एक्टर्स हमें पता है कितना मुश्किल होता है. तो बहुत बहुत शुभकामनाएं टू स्टेबिन एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट ऑन हिज बर्थडे. आई थिंक लास्ट कपल ऑफ डेज हैव बीन वेरी हेक्टिक. बहुत स्ट्रेसफुल रहे हैं. पहले श्रीदेवी जी मैंने उनको अपने शो पे इंटरव्यू भी किया है और शमी जी का मैंने काम देखा है उनसे मिल नहीं पाया कभी. बट बहुत बहुत दुख लगा एंड आई थिंक इट्स अ बिग लॉस फॉर द इंडस्ट्री. Today is a special day. Barrel is a lovely club. I love it here. And mere bhai Stebin ka birthday hai. So I'm here to celebrate. This is Thais. We are looking forward for a lovely night. Stebin ka birthday hai toh kuch amazing hi hoga. So yes. And what about Barrel as a nightclub? What is the USP? I think this is the most happening club in Bombay. This lane is full of Barrel. You see people outside. You see people everywhere. They are waiting to get inside. This club is the best. Yeah. And you know many TV sets are making their venture into Everybody is making a mark. Karan Vahi is coming on 9th March with His Story 4. So I'm looking forward for it. I shot my first film with Karan. It didn't release. So I'm looking forward for every film they guys do. They are great. And yeah, Barrel is amazing. Looking forward for a night. Thank you. Basically, I just wanted to wish him first happy birthday, bro. And he's really, really, really amazing guy. And one more thing about him, he's very positive and he's very polite with everyone. The way he talks, it's really amazing. So I'm so glad he invited me. And he's really, really, really amazing person. I think I have no words for him. He's really amazing, pure soul. Barrel is a nightclub, and what is the USP you find? I think that's very also positive place. When I entered in Barrel, so many positive people around. So I think yeah. So that's a good place for him and that's a good place for everyone. I enjoy Barrel basically. Thank you. Please perform as such and the singer is having his birthday as well. So how your intuition? What about Barrel? What is the USP of this nightclub? Well, I really can't speak about the USP of Barrel, but I'm just here to wish my friend a very happy birthday and just excited to be there here and just waiting for his birthday to come. His birthday to come. We are bringing, so yes. Abhi uska kuch half an hour is Sebin's birthday, so we just came here to wish him. Exactly. So we're just going inside and wishing him. Thank you. Thanks a lot, guys. Performance having his birthday as well, and what is the USP of this nightclub? The USP is Stebin. I think he's a beautiful person at heart, and I think he has a magical voice, and I think he's the next big thing in the industry. Apart from that, he's bringing in his birthday as well, which is a great, great, great day for sure. And he's called his close ones around, so I think it's a great, great achievement, and it's a great, great day for us. A lot of people loving your show, your characters. Oh really, that's very kind. Yeah, because it's a very progressive story. It's about a 24-year-old boy and a 42-year-old woman. All of us somewhere have these fantasies, you know, within. So I'm living it in a way, but it's a different concept. I'm getting to play someone who I am in a way, very jovial, very intense as a person. So I think it's working good for us. And in fact, we had a good
we had a good beginning to our show, and considering it's a 10:30 slot, it's a little bold. Thank you. I love Barrel. It feels like home whenever I'm here. तो बहुत अच्छा लगता है मुझे. And आज Stebbins का birthday है. तो मैं भले ही थोड़े time के लिए आई हूँ, but I've come here. I've made sure that I'm here because it's his birthday. And of course, I love his voice. So I'm here even without Suyash. I'm actually here for the first time in my life. मैं अकेले आई हूँ किसी का performance देखने के लिए, सुनने के लिए उसके गाने. So Stebbins, you should be really, really very happy and very lucky. You should feel that I am here today without anybody. Only for you. And many TV celebs are making their return to Bollywood as of now. What is a positive step, and are you excited about the thing which is happening, TV celebs making their return to Bollywood? आई थिंक बॉलीवुड में तो काफ़ी टी वी सेलेब्स पहले से यू नो दे आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड ऑलरेडी. बट कल हमारे करण वाही की फिल्म रिलीज़ हो रही है, गेट स्टोरी 4, एंड रियली एक्साइटेड फॉर दैट टू. एंड आई रियली विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. उसका उसकी जो पहली फिल्म आई थी वो इतनी अच्छी नहीं चली. आई रियली होप दैट यू नो ये वाली फिल्म अच्छा करे, एंड मे गेट ऑल द सक्सेस. एंड आई थिंक इट्स ऑसम कि आजकल ऐसी फिल्में बनती हैं जिसमें यू नो पहले जैसे टाइप कास्ट हो जाते थे कि नहीं ये तो टीवी एक्टर है, ये फिल्में नहीं कर सकता, तो वैसा नहीं होता. सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग. तो एटलीस्ट वी ऑल्सो फील कि यार अगर वो लोग एड्स कर सकते हैं, वो लोग कंपेयरिंग कर सकते हैं, वो लोग सब कुछ कर सकते हैं, तो हम भी यू नो वी कैन ऑल्सो डू अ बॉलीवुड फिल्म. सो आई थिंक इट फील्स ग्रेट. यार विमेंस डे मतलब हम रोज़ मनाते हैं विमेंस डे यार, बिकॉज विमेन आर एट पार नाउ विद द मेन. तो ऐसा नहीं है कि यू नो एक स्पेशल डे चाहिए आपको टू सेलिब्रेट विमेंस डे. फॉर मी आई थिंक एवरी डे इज़ विमेंस डे बिकॉज यू नो इंडिपेंडेंट वेमेन जितनी हैं उनके लिए तो हर दिन विमेंस डे है. सो आई थिंक इट्स Well, the USP of Barrel is it's a youth place, and if you go on social media networks, guys, I mean, ये जितने भी यहाँ ये जो entrance है इसका, you will find that on lot of youngsters, Snapchat and everywhere. And obviously, food is amazing, absolutely. And Stebbins यहाँ perform कर रहा है, उसके birthday पे उससे ज़्यादा बढ़िया बात क्या? So let's wish him a very very happy birthday. Thank you. Happy birthday to my buddy. बैरल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आके बंदा पीसफुल हो जाता है, जो कि मैंने पहले भी कहा है, और एकदम मस्ती में हो जाता है. और मस्ती में आप लोग देखते भी होंगे कि कैसे लोग यहाँ पे झूमते हैं. बैरल इज़ बेस्ट प्लेस टू इन्जॉय सारा टायर्डनेस, जितना भी काम करके होता है बंदा यहाँ पे आए, आराम से दो गाने सुने और मस्त हो जाए. और आज वैसे भी स्टेबिन का बर्थडे है, तो बहुत बहुत बधाई हाँ स्टेबिन को. एंड आई लव हिम, उसका सिंगिंग उसके गाने से हर कोई बंदा बैठे बैठे भी नाचने लगता है. तो या वंस अगेन हैप्पी बर्थडे एंड लव यू ऑल. Actually, I'm very excited because मैं Stebbins को I think after 5 or 6 months we are meeting, more than that maybe. So इतना time हो गया, I haven't heard his voice, and he's just been roaming all around the world, giving so many performances everywhere, and he's back after really long to his Bombay. I think I should say this thing that she is back after a long time. Basically, she was in the Big Boss Kannad house. She just came out and she did amazing there, and कि उसको बाहर आने से film मिल गई है. Yeah, but he was traveling all around the world. I think I really envy you for that, because that is amazing, yeah, seriously. So a very happy birthday Stebbins. Thank a very you. Happy birthday. May you get all the happiness in this world. Thank Sab you. Jage gaata I wish the same for you, yeah. Keep drawing. Keep doing the best you're doing already, yeah. Back to back series, back to back films, I think you're doing amazing. So you want to discuss something regarding the business of working in the future or right now? About me, I have signed a Kannada film, I've signed a South film, so that would be my debut in the South industry, and I've signed a Hindi short film, that's all I can say. इसको गाना गाना चाहिए आपको. अच्छा मैं एक गाना इसके लिए डेडिकेट कर दूँ. कौन सा गाना पसंद है तुझे? कोई भी गाना गाते जो हमने गाया था साथ में, जो हमारा सॉन्ग है वही गाते थे. दिल क्या करे नहीं रुक, कुछ नया गाती हूँ रुक. गाने नहीं याद आ रहे यार. ओके आई विल सिंग दिस. इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब के दिन को से
छड़ा के हम ताले लगा के चल तुम सुन तेरा हाने चुप के गए आधी आधी बाट ले आजाद की समी थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियां. Happy birthday, Seven. Thank you. Thank you. Sorry? हाँ जी. I actually heard about that and I read about that and Irfan Khan is like one of, you know, my favorite actors whom I actually admire for his acting in every film, every role. I think he does an amazing job. So, ऐसे actors हमारे industry में are very important, I feel. So, I really, he's in my prayers all the time, I would like to say. And I really hope he gets well soon. Definitely the same thing I would like to say. वो जल्दी ठीक हो जाए और क्योंकि उनकी ज़रूरत है हमें इंडस्ट्री को क्योंकि उनने इतना लेजेंडरी काम किया है. ही इज़ अ लेजेंड फॉर द इंडस्ट्री एंड लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट किया है उनने. तो जल्दी ठीक हो जाए, वापस आ जाए और सबके लिए ऐसी सबको एंटरटेन करते रहे. थैंक यू सर. थैंक यू. कौन परफॉर्म कर रहा है, कितने एक्साइटेड हैं? Stebin is performing. It's his birthday and we all are here for his birthday and I think Stebin is a fab singer. I love listening to him और आज उसका इतना special occasion है और so we are here to cheer him up and yeah, I wish him a very very happy birthday. There are a lot of night spots in Mumbai. What is the USP of Barrel as such? What is it? I love Barrel. It is my favorite place. The vibe of this place, I don't know. I love coming here. We can dance there. You can sit. You can eat. You can talk. It's not like a total party type of a place and it's amazing music. You can do everything. Like Barrel is my favorite place. So guys, whoever is in Andheri or wherever, you should give Barrel a visit. I love Barrel. जी, हैप्पी वुमेंस डे टू यू ऑल, टू ऑल ऑफ अस, टू द स्ट्रेंथ, टू एवरीथिंग एंड या आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे. अपकमिंग प्रोजेक्ट आई थिंक वील टॉक अबाउट इट लेटर बिकॉज इट्स नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट माई प्रोजेक्ट. इट्स स्टेबिन्स बर्थडे सो लेट्स टॉक अबाउट हिम. थैंक यू. ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस.